फ्रेंड्स, आपकी व्याकरण में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है। ये 5 नंबर में आ जाता है। शब्द शक्ति के बारे में बताएं, इसका अर्थ बताएं, परिभाषा बताएं, या फिर सेकंड आ सकता है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। अगर प्रकार बता दिए गए हैं तो 3 प्रकार होते हैं। तीनों की अलग अलग से डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स भी दीजिए, यानी कि एक कम्प्लीटली क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार करना है। उसमें चाहे 2 नंबर आए हैं या फिर 8 नंबर आए हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। शब्द शक्ति क्या होती है इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एटलीस्ट 2 जगह से इस क्वेश्चन को तैयार करवाऊंगी। एक आपकी खुद की जो पुस्तक है उससे, और एक जो दूसरी पुस्तक है जो मेरे अंडर है उससे करवाऊंगी, ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, और जो ये इसकी अर्थ है, इसका इसके प्रकारों का अर्थ है, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। कई बच्चों को लगता है, कहते भी हैं कि मैम इस तरह का क्वेश्चन है, इसके जो नाम है वही इतने डिफिकल्ट हैं, इनका अर्थ ही समझ नहीं आता है कि इनको अर्थ को कैसे याद करें। तो मैं आपको 2 जगह से इसलिए ही करा रही हूँ ताकि आपको एक अपनी ही पुस्तक से ना पढ़ के वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इससे अच्छा है कि आप 2 तरीके से पढ़े, 2 जगह से पढ़े, अपने ज्ञान में विस्तार भी करें और इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर भी करें। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं शब्द शक्ति क्या होती है। ये आपकी स्वयं की पुस्तक है। इसमें आपको बताना है कि जिस साधन या शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा साधन या फिर ऐसी शक्ति जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, यानी कि शब्द का जो अर्थ है उसका ज्ञान होता है, हमें पता चलता है कि क्या अर्थ निकला है, उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति एज यू नो दैट 3 तरह का होता है। उन तीनों शब्दों से 3 अलग अलग अर्थों को प्रकट किया जाता है। यानी कि मान लीजिए 3 तरह की है यहाँ पे, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। तो इन तीनों के ही वर्णन से, यूज से, प्रयोग से 3 अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं, और वो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ करवाने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे इन्होंने खुद भी एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन ये अभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। हम इसको छोड़कर अभी क्या करते हैं, अपनी पुस्तक से मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी जो डेफिनेशन है कितनी आसान है, किस तरह से इसको समझेंगे। इसमें तो इसके प्रकार भी दे रखे हैं, उसको बाद में समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं अभिधा, लक्षण, व्यंजना, शब्द शक्ति किसको कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अभिधा शब्द शक्ति को हम पहले समझते हैं। जिस शब्द शक्ति से मुख्य शब्द का या मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि जैसे ही हम बोलते हैं वैसा ही अगर हमें लगता है कि हाँ ये वही चीज है, तो उससे उसका जो अर्थ है पूर्णतया निकल आता है। जैसे कि मतलब हम गऊ, गऊ शब्द कहते हैं, गऊ हमारे मुंह से निकलते हमारे दिमाग में गाय की जो छवि बन जाती है, यानी एग्जैक्ट वही छवि बनती है और उसका जो मीनिंग है वो स्पष्ट हो जाता है। यानी कि गाय का है तो गाय ही है, तो इस हिसाब से इसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जीवन के साधारण क्रियाकलापों में इसी का यूज देखा जाता है, और कई मतलब कोश हैं जैसे कि डिक्शनरी वगैरह है, इसमें भी इसका यूज देखा जा सकता है कि जैसे जो हम अर्थ है सर्च करते हैं जिसका भी आंसर, तो एग्जैक्ट उसका आंसर मिल जाता है। सरलता की दृष्टि से आरंभ से ही मानव ने सबसे पहले किसको खोज किया था, अभिधा शब्द शक्ति को खोज किया था। क्योंकि देखिए उस टाइम जो था पर्यायवाची शब्दों की महत्ता नहीं थी, ना ही किसी को ज्ञान था, तो डायरेक्ट जो नाम बोल दिया तो वही चीज होती थी, एक ही शब्द होता था। आजकल तो बहुत सारे एक शब्द से अनेक शब्द निकलते हैं, हालांकि मीनिंग तो वही देते हैं, पर वो जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति से क्या मतलब है कि जो भी हम शब्द बोल रहे होते हैं या भी जिस भी शब्द शक्ति का हमें मुख्य अर्थ पता करना है, तो हमें वो शब्द जो है प्रयोग करना पड़ेगा, उसी का एग्जैक्ट तो जो आंसर निकलता है। ठीक है, इसमें जैसे कि एक कविता भी है, कनक कनक ते सो गुनी। एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है। एक कनक का मतलब क्या होता है, गेहूं होता है। तो उसके नाम से हमें पता नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये है कि हमें इन दोनों का अर्थ पता है। तो इस हिसाब से जो शब्द हम बोल रहे हैं, जिस हिसाब से बोल रहे हैं, जहां बोल रहे हैं, उसका वहीं पर वो अर्थ देता है, तो उसी को अभिधा शब्द शक्ति कहते चलिए हैं। समझते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा का नाम से ही जाहिर हो रहा है कि किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज में लक्षण होना, उसके जैसा होना। अब जो मेन उसका अर्थ है यानी मुख्य अर्थ है, उसके बाधित होने पर जहां उससे संबंधित रूढ़ी और प्रयोजन के आधार पर दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, या इसको हम एक यह भी कह सकते हैं कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ी और प्रयोजन से जब मुख्यार्थ से ही संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। यानी कि जो भी हम रूढ़ी या प्रयोजन चाहते हैं अर्थ से, उसके मुख्य अर्थ के बाधित हो जाने पर
उसके अर्थ को अन्य अर्थ के रूप में ग्रहण कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा ये आपको। किसी भी शब्द के, मान लीजिए हम कोई शब्द बोलते हैं तो हम उस शब्द को किसी दूसरे की संज्ञा लेकर बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए आप लड़की देखने जा रहे हैं, तो कोई भी पूछ लेता आपको कैसी लड़की चाहिए, तो वो एक ही बात बोलते हैं, गऊ जैसी। अब लड़की तो गाय बन नहीं सकती, लेकिन गाय जैसे लक्षण उसमें होने चाहिए, यानी कि सीधी सिंपल शरीफ सी, यानी कि भोली भाली गाय। ठीक, गाय जैसी लड़की उनको चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से गाय के लक्षण जो लड़की में देखे जाते हैं, और ये लक्षण शब्द शक्ति इसी को बोलते हैं कि, यानी मुख्य अर्थ तो बाधित हो जाते हैं, यानी ये तो कहेंगे नहीं वो कि भी हमें गाय चाहिए। ठीक है, उसके मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, यानी गाय जैसी लड़की चाहिए। ठीक है, यही शब्द शक्ति यानी लक्षणा शब्द शक्ति का व्यापार होता है, यानी डिलीवर इन्हीं शब्दों को करेंगे, गाय की संज्ञा देकर करेंगे, लेकिन चाहिए क्या, लड़की। ठीक है, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। अब इसके बाद इसमें जैसे ही मैंने एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, अब हम करेंगे व्यंजना शब्द। है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना का यहाँ पे मतलब क्या है, वी उपसर्ग है और अज धातु से बना है। इसका मेनली जो अर्थ माना जाता है, प्रकट करना, स्पष्ट करना, देखना। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो तीनों में से आप। इसका शब्दार्थ अगर हम करें, वह शब्द शक्ति जो विशेष रूप से देख सके या दूर की वस्तुओं को भी जान सके, यानी उनके अर्थ भी जान सके दूर की वस्तुओं के। ठीक है, अब जहां अभिधा और लक्षणा विश्राम ले लेती है, जो शक्ति एक तीसरे अर्थ का व्यंग्यार्थ बोध कराती है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी अगर शब्द बोल देते हैं तो वो थर्ड मतलब उस पर उसके अर्थ पर चली जाती है, तीसरे अर्थ पर चली जाती है। इसमें एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए हमने ये यहाँ पे जो है दोहा दे रखा है, मौत तिहारे बदन पर मोह रखता, मम मुख दर्पण विमल है आज विवित यह तात। आप चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो अगर ना लिखा जाता है, नहीं याद होता तो कोई वो नहीं है। यहाँ मुख दर्पण का अर्थ करने में अभिधा असमर्थ है, क्योंकि मुख तो दर्पण होता ही नहीं है, ना मुख दर्पण जैसा होता है। कारण यह है कि मुख दर्पण समान है, इतने पर भी इस दोहे का अर्थ पूरी तरह से नहीं खुलता, यानी अभिधा जो है इस दोहे पे नहीं लगती। आगे व्यंजना से भी यह अर्थ निकलता है, यह मूर्खता जो तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है वह तुम्हारी ही है, क्योंकि मेरा मुख दर्पण के समान है, तुम मेरे सामने खड़े हो, इसलिए तुम अपने मुख की मूर्खता को मेरे मुख रूपी दर्पण में देख रहे हो। यानी दो बंदे खड़े हैं आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे के, एक बंदा दूसरे से कह रहा है कि तुम्हारे मुख की, तुम्हारे चेहरे की मूर्खता जो है मेरे चेहरे पर साफ पता लग रही है कि मेरे जो मेरा चेहरा क्या है, एक दर्पण के समान है। तो यहाँ पे दो शब्द भेद बताए हैं इसके, शाब्दी और व्यंजना, ये भी हम समझेंगे पहले। अब इसमें क्या बताया गया है, यानी दूर के शब्द का अर्थ जानना कैसे। इसमें जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का चेहरा देखकर बताया कि तुम्हारे तो मुख की, तुम्हारे चेहरे की मूर्खता ही मुझे पता लग रही है, यानी उसने बोला नहीं है फिर भी उसको पता लग रही है, यानी दूर के अर्थ को भी जान लेना, यानी तीसरे अर्थ को ज्ञात कर लेना, ये क्या है, व्यंजना। व्यंजना का मतलब आप यहाँ से इजीली ये समझिए, व्यंजना वह शब्द शक्ति है जो दूर के अर्थ को, जो ना बोले गए शब्द के अर्थ को भी समझ जाती है, भाव व्यक्त करने पर, न करने पर, दोनों तरीके से व्यंजना में अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इन तीनों के जो भाग हैं, अभिधा लक्षण व्यंजना के, उन तीनों के भागों को भी हम समझते हैं। मैं आपको कम कराऊंगी और अच्छे कराऊंगी, जो आपको आसानी से याद हो उसके। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति है, यहाँ पे इसने तीन भाग दे रखे हैं। ठीक है, रूढ़ी, योगिक, योग रूढ़, यानी कि जो शब्द के प्रकार बताए जाते हैं उस हिसाब से इनको इसमें ऐड कर लिया गया है। अब रूढ़ी क्या होते हैं, जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले, ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। आप सिर्फ ये बात ध्यान रखिए, रूढ़ी मतलब क्या होते हैं, जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे कि पेड़, पेड़ में पे को अलग कर देंगे, अड़ा को अलग कर देंगे, कोई इन दोनों का शब्द नहीं निकल, इनका अर्थ नहीं निकलता। ऐसे घो और अड़ा को अलग अलग कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसी को रूढ़ी अभिधा शब्द शक्ति बोलते हैं। यौगिक में क्या होता है,
यौगिक में हमेशा रूढ़ में उपसर्ग प्रत्यय लगते हैं, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय लगते हैं और उससे ही अर्थ का बोध होता है। शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगने से शब्द के अर्थ का बोध होना यौगिक अविदा शब्द शक्ति कहलाता है। जैसे भूपति की सवारी जा रही है, अब भूपति शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे किसी राजा की बात हो रही है, ठीक है, ये यौगिक है। यौगिक मतलब जोड़ लेना। योग रूढ़ी अभिधा क्या होती है, जिसमें कि जो बना हो यौगिक शब्दों से, यानी भूपति जैसे जिस टाइप के जो शब्द है इस तरह से बना हो, लेकिन किसी विशेष अर्थ में रूढ़ गया हो, किसी विशेष अर्थ में उसका रूढ़ गया हो, वहां योग रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कितना सुंदर पंकज, अब पंकज का मतलब यहाँ पे क्या है, पंकज को कमल के पर्यायवाची के रूप में माना जाता है ना, कितना सुंदर पंकज, ठीक है, ये क्या है, योग रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति। अब लक्षणा शब्द शक्ति के जो हम पाठ देख लेते हैं, इसके हैं रूढ़ी लक्षणा, यानी कि जो शब्द परंपरा अनुसार बोध कराते हैं, इसका है गौरी रूढ़ा। मैं इसको इसमें आपको मैं नहीं करा देती हूँ, रूढ़ी लक्षणा ही कर लीजिए पहले। परंपरा अनुसार अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को रूढ़ी लक्षणा शब्द कहते हैं, जैसे कि वह चौकन्ना था, ठीक है, या पद्मावती चंद्रमुखी नारी थी, यहाँ ये सेंटेंस अच्छी रहेगी, ठीक है, पद्मावती चंद्रमुखी नारी थी, यानी परंपरा अनुसार अर्थ का बोध कराए रूढ़ी लक्षणा, ठीक है। दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा में इसका क्या अर्थ निकलेगा, जैसे कि हम किसी को किसी चीज की संज्ञा देकर बोलते हैं, जैसे तू तो मूर्ख है, तू तो जानवर जैसा है, इसी तरह से तू तो बंदर जैसा है, इस तरह इसमें एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। प्रयोजनवती लक्षणा मतलब क्या है कि राकेश को कहा गया है राकेश तो बंदर है, मजाक में बोल देते हैं या टोंट कसने के लिए बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रयोजनवती, हमारा प्रयोजन है कि हम उसको बंदर की संज्ञा में लेके आए, ठीक है। इसके दो पार्ट आप इतना कर लेंगे वो भी काफी है, ये ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना इस तरह से, या और भी होंगे इसमें, सूर्य माथे पर आ गया क्योंकि कभी आता ही नहीं है, यानी एक तरह से सिर्फ दिखाना, मिला न ही वन न भवन ही तुझको, वन का सुख पति का साथ, ये जैसे सीता जी के लिए बोला गया था, ठीक है। अब व्यंजना शब्द शक्ति की हम बात करते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में इसके प्रकार हैं, आपकी पुस्तक सही करा रही हूँ, मेन करा रही हूँ, ज्यादा डीपली की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही पूछे जाएंगे। शाब्दी व्यंजना है पहले, जिसमें कि जिस शब्द के कारण अर्थ उत्पन्न होता है, व्यंजक अर्थ उत्पन्न होता है, या जिसके स्थान पर कोई पर्यायवाची रख दिया जाए, जिस शब्द के स्थान पर कोई पर्यायवाची रख दिया जाए उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित प्रीति होए, जहां श्लेष होगा वहां वहां शब्दी व्यंजना होगी। इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग दिया गया, यानी कि किसी भी शब्द का एक से ज्यादा अर्थ निकलना, एक शब्द का एक से ज्यादा अर्थ निकलना वहां श्लेष अलंकार होता है, और जहां श्लेष अलंकार होगा वहां पे शब्दी व्यंजना जरूर होगी, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका अर्थी व्यंजना, मतलब क्या है कि अर्थ पर आधारित न होकर, सॉरी, शब्द पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे सीता हरण तात जनी कहू पिता मैं जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन आए, यानी इसमें क्या है कि वाच्यार्थ का जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है, यानी एक आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ रावण का जाना स्वर्ग जाना यानी मरना व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ का मतलब क्या है कि यहाँ पर सीता ने व्यंग किया है रावण पर उसके मर जाने पर, ठीक है। ये अभिधा मूलक यानी कि शाब्दी व्यंजना के बाद आर्थी व्यंजना का पार्ट है, वैसे इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ शाब्दी व्यंजना कर लेना, आर्थी व्यंजना दोनों का, यानी कि ये अर्थ पर आधारित है, वो किस पर आधारित है,
जहां जिस भी किसी शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है, या दूसरी बात इसमें आप लिख सकते हो जहां श्लेष अलंकार होगा वहां पर शाब्दी व्यंजना भी होती है। कोई एक भी आप यहां से, इन दोनों में से कोई एक आप यहां से जो दोहा उठा के याद करके लिख सकते हो, ना भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से डिफाइन कर दीजिए।